नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की 75 खबरों का। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति तय, सरकार संगठन का तालमेल और नए रोड मैप पर चला मंथन। कोरोना से निपटने के लिए हर जिले में बनेगा चक्रव्यूह, एक्सपर्ट्स ने यूपी सरकार को सौंपी रिपोर्ट। आदित्यनाथ ने दी प्रमोशन फॉर्मूला को मंजूरी, शीघ्र जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। एक हजार से ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाने वाले दो आरोपितों को यूपीएस एटीएफ ने पकड़ा, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में फैला है जाल। बरेली से पकड़ी गई बाघिन को वन विभाग की टीम ने लखीमपुर खीरी के जंगल में छोड़ा। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, मुजफ्फरनगर में लगाए 5000 नीम के पेड़। ट्रेनों में लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के चार शातिर बदमाश बागपत से हुए गिरफ्तार। मऊ में मूसलाधार बारिश में गिरी कच्ची दीवार, वृद्ध की दीवार में दबकर हुई मौत। बांदा में हाईटेंशन लाइट से टकराकर आग की चपेट में आया ट्रक, आग बुझाने की कोशिश में चालक की गई जान। बिजनौर में रबड़ फैक्ट्री में हादसे में हुई एक श्रमिक की मौत, दो लोग हुए गंभीर, सीएम योगी ने तलब की रिपोर्ट। लखनऊ में 9 करोड़ ठगने वाला रुखसार गिरफ्तार, 40% मुनाफा का ऑफर देकर ट्रेडिंग कंपनी में करता था निवेश। अंबेडकर नगर में झमाझम बारिश से कच्चे मकान ढहे, बालिका समेत दो की मौत और सगी बहनें घायल। लखनऊ में प्रेशर पाइप फटने से ओवरलोड ट्रक पलटा, दबकर चालक की मौत, आवागमन हुआ ठप। सुल्तानपुर में 200 वर्ष पुराने पुल की दीवार ढही, बैरिकेडिंग लगाकर रूट किया गया डाइवर्ट। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर उपनिदेशक कृषि अयोध्या मंडल अशोक कुमार निलंबित। सोनभद्र में मां दो बच्चों समेत कुएं में कूदी, दो बच्चों की हुई मौत, मां को सुरक्षित बचाया गया। वाराणसी में धर्मार्थ कार्य निदेशालय सक्रिय, कमिश्नर को निदेशक का दायित्व, यहीं से संचालित करेंगे गतिविधियां। ट्वीट कर विवाद में घिरे आईपीएस अधिकारी गौरव बंसवाल, डिलीट किया ट्वीट फिर भी स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। यूपी में स्कूलों में बच्चों के आधार सत्यापन में खुली फर्जी नामांकन की पोल, दो स्कूलों में 40,000 बच्चों के नाम। मौलाना अरशद मदनी ने लोनी प्रकरण को बताया शर्मनाक, कहा कोरोना भी नहीं कर सका नफरत के वायरस का खात्मा।
यूपी के हमीरपुर में एक गांव ने पेश की सामाजिक समरसता की मिसाल, कई भूमिकाएं अदा कर जोड़े का कराया गया विवाह। सहारनपुर में अवैध खनन कर रहे हरियाणा के माफिया, डीएम एसएसपी ने तैनात कराई फोर्स। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज, बीजेपी की संकीर्ण राजनीति के चलते यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बताया धीमा। फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे ने पैसे के चलते गला रेत कर की अपने सगे भाई की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाला आरोपित मेरठ में गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ में हुए और भी राजसा। बलिया जिले में गंगा और सरयू आदि नदियों के जलस्तर संग बढ़ने लगी, तटवर्ती लोगों की धड़कने, सभी लोग बाढ़ बचाव के कार्यों में जुटे। श्रावस्ती में बस की छत पर सोने के लिए चढ़ा कंडक्टर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया, कंडक्टर की हुई मौत। जौनपुर के सांसद श्याम सिंह लगातार तीसरी बार बने अध्यक्ष, जीएस सिंह होंगे महासचिव। सुल्तानपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, सेवानिवृत्त फौजी समेत दो की हुई दर्दनाक मौत। बाराबंकी में जमीन को फ्री होल्ड करने के बदले बाबू ने मांगे रिश्वत, घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। आईटीआई के मेधावियों को मिलेगा लैपटॉप, 305 व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने 305 सरकारी संस्थानों से मांगी गई सूची। बहराइच में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा घाघरा का जलस्तर, लखीमपुर और बलरामपुर के कई गांव में कटान। हरदोई में समाजवादी व्यापार सभा की बैठक में कोरोना से व्यापारी की मौत पर आश्रित को 10 लाख देने की गई मांग। लखनऊ में दबंगों ने गर्भवती के पेट में मारी लात, तो वीडियो वायरल होने के बाद जागी पुलिस। ट्रैक्टर की चपेट में आकर दो बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, दो लोग हुए घायल, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंका ट्रैक्टर। चंदा विवाद में खुद घिरी कांग्रेस, यूपी मीडिया संयोजक ने सोनिया राहुल प्रियंका की फोटो लगा निजी खाते में मांगा चंदा। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री के पास से 22 लाख रुपए से अधिक का सोना बरामद, एक्सरे जांच में मिली जानकारी। वाराणसी में परिषदीय विद्यालय में खत्म होगा शिक्षकों का नगरीय और ग्रामीण कैडर, दूर होगी छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की कमी। भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अमित सिंह भाजपा प्रत्याशी घोषित, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चंदौली जिले में मानसून ने प्रकृति का किया श्रृंगार, पर्यटन स्थलों पर उमड़ने लगे सैलानी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूर्वांचल में सखियों ने 2,88,00,000 के अर्थ से बिजली विभाग में दौड़ाया करंट।
वाराणसी में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के इंजीनियरों ने नेटवर्क सोसाइटी का दिया विशेष प्रशिक्षण। गंगाजल में कोरोना वायरस के अस्तित्व पर 15 दिन में स्थिति होगी साफ, वाराणसी में जांच में जुटी टीम। मिर्जापुर में गंगा दशहरा पर कर्णावती नदी में स्नान के दौरान दो लड़कियां डूबी, घर में मचा कोहराम। मिर्जापुर में एनएचएआई से हुई चूक, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरी जगह बन गए फोर लेन अंडरपास पुल। आजमगढ़ में सरयू के जलस्तर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की हो रही वृद्धि, जल्दी जलस्तर होगा चेतावनी बिंदु के करीब। वाराणसी मंडल में 4,44,000 कामगारों को मिलेगा पोषण भत्ता, जिलाधिकारियों को जारी की गई है राशि। गोरखपुर में पुलिस ज्यादती के खिलाफ युवती ने की खुदकुशी की कोशिश, मामले में चौकी प्रभारी एसएसआई हुए लाइन हाजिर। सिद्धार्थनगर में गैर समुदाय में विवाह करने पर महिला की पीट पीट कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराजगंज में नशे में धुत पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटी, 5 बस सवार हुए घायल, बाकी सवारियों को आई मामूली चोट। नौकरी के नाम पर 13 लाख की ठगी केस में कई शिक्षा कर्मियों पर भी कसेगा शिकंजा, पुलिस की जांच हुई तेज। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मामले में बोले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, आस्था पर चोट पहुंचाकर नहीं पाएंगे वोट। सफेद पोशों की छत्र छाया में चल रहा जुए और सट्टे का खेल, प्रयागराज पुलिस अपराधियों के खिलाफ जुटा रही साक्ष्य। प्रयागराज में रफ्तार का दिखा कहर, 9 लोग हुए जख्मी, बाइक सवार की मौत के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। शाहजहांपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस तस्करों से जांच कर रही है। फादर्स डे पर कौशाम्बी में बेटे ने पिता की लोहे की रॉड से पीट पीट कर की हत्या, हत्या से नाराज लोगों ने आरोपी के घर पर किया बवाल। जालौन के जिला अस्पताल में नाबालिग बच्ची की हुई मौत, मृतका के पिता ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। दस रेलवे के पुलों पर लगाई गई वाटर लेवल मेजरमेंट डिवाइस, 24 घंटों में 2 बार करती है अलर्ट। प्रतापगढ़ में दबंगों ने दलित के घर पर किया हमला, घटना से दलित परिवार में मची दहशत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भिड़ंत, पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, हाल ही में एक टीचर से 33,000 लूटने की घटना को दिया था अंजाम। भाजपा के वोट बैंक में सेध की जुगत में सपा चीफ अखिलेश यादव, ब्राह्मणों के साथ लेकर चलेंगे सोशल इंजीनियर का दाव।
प्रेम विवाह से नाराज चाचा ने भतीजी को दी तालिबानी सजा। बाराबंकी में सरेआम मुंडवाया सर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा राज में जनता है त्रस्त, घोटालों की कमाई में जुट गई है सरकार। ओलंपिक्स में मेडल लाने पर यूपी के खिलाड़ी होंगे मालामाल, योगी सरकार देगी करोड़ों रुपए। सपा नेता राम गोविंद को जनसंख्या नियंत्रण कानून से हुई दिक्कत, पीएम और सीएम पर कसा निर्वेशी होने का तंज। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य को झटका, मऊ से 49 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। भाजपा ने पूनम मौर्य को घोषित किया वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार, सर्वसम्मति से लगी मोहर। लखनऊ में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का युवक को पीटना पड़ा भारी, दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। यूपी में रूबन मिशन में 199 करोड़ की परियोजनाओं में बदलाव की मंजूरी, चित्रकूट, बहराइच और मिर्जापुर के प्रोजेक्ट हुए स्वीकृत। वाराणसी के सिंधौरा चौराहे के समीप बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली, फायरिंग में एक युवक हुआ घायल। लखीमपुर में पेड़ के नीचे पड़ी जामुन खाने से नाराज दबंग ने पेड़ से बांधकर 2 मासूमों को दी तालिबानी सजा। प्रयागराज में जारी है राजनीतिक उठापटक, बहुजन समाज पार्टी के 1 दर्जन नेता कांग्रेस में हुए शामिल। संभल में तगादा करने पर दबंगों ने युवक को पीटा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और फिलहाल खबरों में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।